मियाँ, अगर आपकी झपकी लगी तो हमारी गोली चल जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ सरेंडर कर दीजिए। 12 घंटे से खड़े हैं और 12 काट लेंगे, भूख प्यास या नींद हम जैसे जाबाज पाकिस्तानियों को नहीं लगती। झपकी आपकी लगेगी और गोली हमारी। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे भी आपका ये पतला सुखड़ा शरीर कहाँ संभाल पाएगा इस बंदूक के वजन को। तुम हिंदुस्तानियों में तमीज नाम की चीज नहीं होती ना, सरेंडर कर दीजिए। अपने ही बंकर में सरेंडर करें? पाकिस्तानी फौज में नक्शा पढ़ना नहीं सिखाते क्या? सिखाते तो हैं। ये बंकर हिंदुस्तानी सर जमीन पर है, कुछ ही देर में हमारी पेट्रोल यहां होगी और आपको। कौन हो तुम? आगे बात बंदा। आओ तुम ऊपर। ऊपर तो गुरु गुरु ध्यान है कि तभी ध्यान दे मूंग दी दाल। हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी हो तो बता दो। ऊपर तो गुरु गुरु ध्यान है कि तभी ध्यान दे मूंग दी दाल। हिंदुस्तानी पाकिस्तान। हिंदुस्तानी को कुत्तों की मौत मारने का मन कर रहा है। मियाँ, इसकी बहादुरी को तो देखकर यही लग रहा है कि ये पाकिस्तानी होगा। ऐसी ही तो हालत की थी हमने आप हिंदुस्तानी कुत्तों की कारगिल के जंग में। पाकिस्तानी फौज में इतिहास पढ़ना भी नहीं सिखाते ना? सिखाते तो हैं। तो फिर ये क्यों नहीं सिखाया कि हर जंग में तुम पाकिस्तानी दुम दबाकर भागे थे, पहले 65 में, फिर 71 में और फिर कारगिल में। हम कारगिल में भी हार गए थे? हारे नहीं, खदेड़ दिए गए थे। अरे मियाँ, आप जैसे जाबाज पाकिस्तानियों को भी भूख लग गई। आपका नाम क्या है जनाब? कौन हो तुम? हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी? कोई तो होगा घर में, बेगम, बच्चे, भाई बहन। क्या है उसमें दिखाओ। अरे ये तो ना तुम्हारी बेगम हो सकती है, ना ही बेटी हो सकती है। गुर्दे गुर्दे ध्यान एक तो बे ध्यान दी। ये तो फिल्मों में आती है। लाल्टिन, माशाल्लाह, क्या सूरत है, कश्मीरी है क्या? अब समझ आया तुम हिंदुस्तानी हमारे कश्मीर के पीछे इतना क्यों पड़े हो। जनाब बोरी के बेचे छुप जाइए। दिवाली, कहाँ जा रहे हो? वहाँ पटाखे नहीं है। अरे जनाब, ऊपर दे गुरु गुरु ध्यान एक सभी ध्यान दे मूंग दी दाल अदीद मुबारक। यार रुक जाइए। अरे सुनो, गुरु गुरु ध्यान एक सभी ध्यान दे। जनाब लगता है तूफान रुक गया, हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर और रुक जाते हैं।